तो भोले भंडारी, आज दिनांक 24 जनवरी 2024 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी, ये आज का हमारा दूसरा वीडियो है। पिछला वीडियो हमने डिलीट कर दिया, उसको परमात्मा बोल रहा है दोबारा अब अपलोड करो। पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे अयोध्या में सबसे बड़ा महोत्सव वाला दीपक भभक गया, जल गया। दोस्तों, आपने सुना कि हम बोलते रहते हैं कि इस दुनिया की हर चीज़, ब्रह्मांड की हर चीज़ के बारे में सूचना देती है। यानी वो कोई चीज़ आपके सामने रखी है, मान लो ये चाय का कोई, मान लो ये कोई पैन रखा है, तो यह भी इस सृष्टि ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ बताता है कि इसमें कहाँ, कि ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ और आगे क्या हुआ। हम लोग जानते नहीं, हमारा ज्ञान विज्ञान इतना बड़ा चढ़ा नहीं होता, हमें पता नहीं चलता। हर एक कण एक भगवान का टुकड़ा है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे वाली बात तो वो है ही। हम क्या बता रहे हैं कि ये जो दीपक दीपक अयोध्या का भभक गया, वह क्या भभक गया? देखो, भगवान सबका भला करे, हम किसी को बुरा नहीं चाहते, चाहना भी नहीं चाहिए। पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से, किन किन जगह से आए हैं, कैसे आए हैं, जीवन यहाँ पर मिला है, कैसी कैसी मुश्किलों से कमाते हैं, फिर आपने बाल बच्चों का गुजारा करते हैं। इस दुनिया में जीना कोई आसान नहीं है। जैसा हम अपने जीवन को देखते हैं, ऐसे ही दूसरों का जीवन भी है। परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, किसी के साथ बड़ी आफत न करे, सुख दुख तो दे लेकिन बड़े भयानक झंझटों में नहीं डाले। हम किसी के लिए ये बुरी भावना नहीं करते कि किसी के साथ बुरा हो जाए, लेकिन जैसे हमारे एस्टिमेट, हमारा ज्ञान कहता है। पिछले वीडियो में आपने देखा दीपक भभक गया, यह दीपक क्या बताता है? भारत में सबसे बड़ा दिक्कत मनुवाद का है। मनुवाद क्या शैतानवाद है? वही वर्णाश्रम है, उसी का अच्छा नाम सनातन कह देते हैं या जो भी कुछ कह लो। यह दीपक क्या भभका? अब सारा मनुवाद भभकना है। झट से मनुवाद में ऐसे ही बत्ती लग जाने की है जैसे उस दीपक में लग गया। मनुवाद का कोई लिटरेचर हो, कोई सिद्धांत हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई मान्यता हो, जो भी चीज़ हैं, और जो लोग मनुवाद को नहीं छोड़कर भागेंगे उनको भी बड़ा भयानक नुकसान होगा। आज जो हम ये कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं कि लोगों को पता चले कि भाई ऐसे ऐसे रास्ते से आफत आनी है, लोग अपना अपना इंतजाम कर रहे हैं। ये हम कोई बुरी भावना करके नहीं कह रहे। इसलिए पिछले वीडियो में जो देखा आपने, भारत में अब मनुवाद तबाह होगा, और ये मनुवाद का तबाह होना ज़रूरी है, तभी कोई प्रगति का रास्ता बनेगा। सारी प्रगति का रास्ता मनुवाद ने ही रोक रखा था, और अब ये मनुवाद जलकर खाक होगा। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रास्ता बदल दें और इसको छोड़ करके भाग उठें और वही करें जो मानवता के लिए अच्छा अच्छा है। परमात्मा ने अभी यही बोला है,
कि तुम दोबारा उस वीडियो को भी अपलोड कर दो और उसके साथ ही दूसरा वीडियो भी दे दो। लंबा चौड़ा नहीं, अब मैं दुकान पर चाय पीने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।